प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और आज जो मैं ये वर्शिप का सॉन्ग आपके लिए, पहले मैं वर्शिप करूँगी आपके साथ, उसके बाद मैं बताऊँगी जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड, चलिए वर्शिप करते हैं। आज बहुत प्यारा सा वर्शिप का सॉन्ग मैं लेके आई हूँ, जिसमें आप डांस भी कर सकते हैं और आप अपने घर में ये सॉन्ग, ये जो मसीह गीत है, ये आप यूज़ कर सकते हैं और वर्शिप के टाइम पे लगा के आप डांस कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, यू कैन फील हिज प्रेजेंस देयर इन योर होम। हालेलुया। और ये वर्शिप का सॉन्ग है, अब बस वो है मेरी जान, मेरा दिल है एक बार, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। अब बस वो है मेरी जान, मेरा दिल है एक बार, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। अब बस वो है मेरी जान, मेरा दिल है एक बार, मारूं ताली दाऊद की तरह। अब बस वो है मेरी जान, मेरा दिल है एक बार, मारूं ताली दाऊद की तरह, मारूं ताली दाऊद की तरह, मारूं ताली दाऊद की तरह। अब बस वो है मेरी जान, मेरा दिल है एक बार, करूं तारीफ दाऊद की तरह, करूं तारीफ दाऊद की तरह। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जैसे कि मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ, ये जो है, ये है एंटी क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। एंटी क्राइस्ट, ये दो दिन पहले मेरे को ये एक वर्ड मिला था, एंटी क्राइस्ट। फिर मुझे जो मतलब इससे समझ में आया, जो गॉड ने समझाया, अकॉर्डिंग टू दैट है कुछ वर्सेस है जो मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हुआ है, गॉड ने एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्पिरिट के थ्रू मुझे बताया है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 1 John 2:18 में लिखा है, हे लड़को, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी उठे हैं, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। लिटिल चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट टाइम, एंड एज यू हैव हर्ड द एंटी क्राइस्ट शैल कम, इवन नाउ आर देयर मेनी एंटी क्राइस्ट, वे बाय मी नो दैट इट इज द लास्ट टाइम। सो 1 John 2:22 के अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का विरोधी है, जो पिता को और पुत्र का इनकार करता है। हु इज द लायर बट ही इज दैट डिनाइड द जीसस इज द क्राइस्ट, ही इज एंटी क्राइस्ट दैट इज डिनाइड द फादर एंड द सन। हालेलुया। 1 John 4:3, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। एंड एवरी स्पिरिट दैट कन्फेस नॉट दैट जीसस क्राइस्ट इज कम इन द फ्लैश इज नॉट ऑफ गॉड, एंड दैट दिस इज दैट स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एक और पढ़ेंगे हम 2 John 1:7, यूहन्ना चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 John 1:7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। प्रेज द लॉर्ड। 2 John 1:9 में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है,
उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। इससे आपको मैं ये समझाने चाहती हूँ कि ये जो वर्ड मेरे पास आया एंटी क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, एंटी क्राइस्ट बहुत सारे लोगों का अपना अपना सोचना है, अपना अपना जो प्रचार किया उन्होंने, मुझे नहीं पता, पर गॉड के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया और जो मेरे गॉड ने मुझे दिखाया और समझाया उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहती हूँ कि एंटी क्राइस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। एंटी क्राइस्ट स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग उठ गए हैं जो ये कहते हैं जो यीशु है वो फ्लैश में नहीं था, उनको दर्द नहीं हुआ था, उनको कीले नहीं लगी, क्योंकि वो तो गॉड का बच्चा था। पर नहीं, अगर वो स्त्री के द्वारा जन्म लिया है उन्होंने तो वो कौन हुए? वो फ्लैश में आए, पवित्र आत्मा से जन्मे, फ्लैश में आए, शरीर में आए। तो जो कोई ये विश्वास नहीं करता है कि वो परमेश्वर है, गॉड और बेटा एक ही है, होली स्पिरिट एक ही है, होली ट्रिनिटी है ये, प्रेज द लॉर्ड, हमें ये विश्वास करना है। और जो कोई ये विश्वास नहीं करता है कि ये होली ट्रिनिटी है, ये गॉड की तरफ से है, और ये जो गॉड है और जीसस है और होली स्पिरिट है ये एक नहीं है, जो ये कहते हैं कि आत्मा कुछ होती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हीलिंग्स नहीं हो रहा है, और जो भी मतलब गॉड के अगेंस्ट की बातें करते हैं, स्पेशली जो एक वर्ड मेरे को गॉड ने दिखाया, प्रेज द लॉर्ड, एक वर्ड गॉड ने दिखाया, स्पेशली एक इंसान ऐसा आ गया है, एक इंसान ऐसा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पर एक इंसान ऐसा उठ के खड़ा हुआ है और उसने ये वर्ड यूज किया है कि आत्मा होती नहीं है, कि मैं नहीं मानता कि आत्मा से हीलिंग्स होती है। तो उनकी बातों से आपको समझ जाना है कि एंटी क्राइस्ट वो ही है, उसी को हम एंटी क्राइस्ट कहेंगे, जो ये कहता है यीशु परमेश्वर है। जीसस ने जैसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया तो मेरे पिता को देख लिया, तो हम ये विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मैंने गॉड का चेहरा देखा, मैंने गॉड का रियल फेस डिक्लेयर किया, थैंक यू जीसस, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर जीसस ने जो जो दिखाया, जो जो बताया, मैं आप लोगों के सामने लेके आई, और आगे भी ऐसे ही मैं प्रचार करती रहूँगी। तो आप लोगों को अलर्ट होना है, ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं है, मतलब अगर रिलेशन में है तो थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि वो लोग आपको भड़काएंगे। और अगर आप परमेश्वर को जान चुके हैं, आप जान चुके हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, ही इज अ लिविंग गॉड, हालेलुया, अगर आप जान चुके हैं तो आपको इसी तरह संगति में रहना है, आगे बढ़ते रहना है, प्रेज करते रहना है, बाइबल को पढ़ते रहना है। जहाँ आपने उस सारी चीज़ों को छोड़ते हैं तो डेविल के अटैक हो सकते हैं, क्योंकि एंटी क्राइस्ट स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको भरमाने के लिए आएंगे, आप लोगों को इसमें बने रहना है कि यीशु ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, ही इज़ अ प्रोटेक्टर, हालेलुया, ही इज़ अ डिफेंडर, ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अल्फा एंड ओमेगा, ही इज़ गॉड ऑफ एब्राहम, जेकब, इसाक, एंड ही इज़ अ गॉड ऑफ प्रोफेटेस सिंथिया मैसी, हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, प्रेज द लॉर्ड, एज आई से वी आर द चूज़न वन। अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यू आर द चूज़न वन, क्यों? क्योंकि अगर ये मैसेज आपके पास पहुंच गया है कि जीवित परमेश्वर कौन है, कौन अपनी आत्मा के द्वारा हमें चंगाइयाँ दे रहा है राइट नाउ, किसी कोई मुझे देखेगा, मुझे नहीं पता किस टाइम पे, पर उसके पैरों में चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैंने ये देखा है कि किसी को कोई औरत है या आदमी, मुझे नहीं पता, किसी को हिडन मीन्स गुप्त रोग है कोई, वो चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैंने अपने विजन में देखा कि जो हाथी है, हाथी जिस तरह एक मट्टी के उसको तोड़ के नीचे जाता है, उसी तरह आज जिस किसी की भी टेंशन है यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं, होली स्पिरिट की फायर रिलीज करते हैं, यीशु मसीह के लहू से ढाक रहे हैं अपने लोगों को, कि इस बाउंडेशंस को, ये जो आपको रोक रहे हैं ये लोग, ये जो बाउंडेशन, ये जो मिट्टी की दीवार आपके सामने बनी हुई है, इसको तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप लोग आगे बढ़िए, आपको विश्वास करना है, आपको प्रेज में लगे रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, जिससे कि आप लॉन्ग लाइफ,
इंटरनल हैप्पीनेस ले सकें। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, हमें इंटरनल हैप्पीनेस लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है पर उनके पास इंटरनल हैप्पीनेस मिसिंग होता है। वो क्यों मिस होता है? क्योंकि वो जान तो गए हैं पर उन्हें अभी भी कोई मेंटोर चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई चाहिए जो उन्हें बताए ये चीज़। तो आप लोगों को संगति में जाते रहना है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ जो अन्य भाषा पे है। हालेलुया। आप लोग यूं ही हमारे से जुड़े रहना जिससे कि मैं और भी आपको प्रोफेटिक बातें बताती रहूं। प्रेज द लॉर्ड। और एक और चीज़ है, किसी के घर में, हालेलुया, मुझे नहीं पता कौन है वो, बट कोई अगर मुझे ऐसा देख रहा है जिसके घर में एक डॉगी है और उसको दो ब्लैक पपीज हैं, तो कुछ गुड न्यूज़ आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम ये कहते हैं, हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम जाने से पहले ये प्रार्थना करते हैं जिससे कि हम लोग बच सके इस एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट से। और हम लोग कवर करते हैं अपने आप को, रोज़ सुबह उठ के आपको कहना है, आई कवर माई सेल्फ विद द प्रीशियस ब्लड ऑफ जीसस। मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढांकता हूँ, तो कोई भी गलत चीज़ आपके आसपास नहीं आ पाएगी। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, और जब हमें विश्वास हो जाता है ही इज़ अ लिविंग गॉड, हमें वैसे ही उस राह में चलते रहना है। हमें पीछे नहीं हटना है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, प्रेयर करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इंटरनल हैप्पीनेस को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम पेशा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी और हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।